हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियर्स प्राइड। जैसे कि हमने देखा था कि लास्ट वीडियो में हमने क्या किया, डेरिवेशन किया था फ्लैट पाइवट बियरिंग। फ्लैट पाइवट बियरिंग का मतलब एक्सियल लोड बियरिंग, जिसमें शाफ्ट एक्सियली हमारे बियरिंग पे लोड लगा रही है, उसके डेरिवेशंस किए थे। क्या डेरिवेशन? दो चीज़ें हमने फाइंड आउट की थी, पहला क्यू और दूसरा डब्ल्यू। क्यू क्या था? फ्लो रेट ऑफ लुब्रिकेंट। फ्लो रेट मतलब कितने वॉल्यूम पर सेकेंड हमारा लुब्रिकेंट हमारा फ्लो हो रहा है जब शाफ्ट रोटेट कर रही है इन द बियरिंग। ठीक है, दूसरा डेरिवेशन हमने क्या किया था? दूसरा डेरिवेशन था डब्ल्यू। डब्ल्यू क्या है? देखो, डब्ल्यू को दो तरीके से हम समझ सकते हैं। पहला कि शाफ्ट जो लोड लगा रही है एक्सियली बियरिंग पे, वो है डब्ल्यू। दूसरा, ये तो था शाफ्ट के नजरिए से, दूसरा अगर हम बियरिंग के नजरिए से देखें तो बियरिंग कितना लोड झेल सकती है एक्सियली, ये है डब्ल्यू। ठीक है, तो क्यू को तो हम बोलेंगे फ्लो रेट, लुब्रिकेंट फ्लो रेट, और W को बोलते हैं शाफ्ट लोड एक्सर्टेड बाय शाफ्ट ऑन द बियरिंग, या फिर कितना लोड बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द बियरिंग। ठीक है, कितना लोड झेलने की कैपेसिटी है हमारी बियरिंग की, या फिर शाफ्ट कितना लोड लगा रही है, ये हो गया W और Q। बिल्कुल उसी तरीके से लास्ट वीडियो में हमने किया था फ्लैट पाइवट बियरिंग, इस वीडियो में हम करने वाले हैं कोनिकल पाइवट बियरिंग। इसमें भी हम क्या चीजें कैलकुलेट करने वाले हैं? एक क्यू मतलब फ्लो रेट ऑफ लुब्रिकेंट, और दूसरा डब्ल्यू मतलब लोड बियरिंग कैपेसिटी ऑफ हमारी कोनिकल पाइवट बियरिंग। ठीक है, अब देखिए इस बियरिंग में जो प्रोसीजर है, प्रोसीजर का पैटर्न काफी कुछ हमारे लास्ट वीडियो की तरह ही है। तो अगर ऐसा है कि आपने फ्लैट पाइवट बियरिंग का जो डेरिवेशन कुछ टाइम कुछ डेज पहले देखा था, तो आई रिक्वेस्ट यू कि अभी पहले आप फ्लैट पाइवट बियरिंग का डेरिवेशन देखिए, फिर वो खत्म होते ही कोनिकल पाइवट बियरिंग का डेरिवेशन देखिए, ताकि आपको दोनों डेरिवेशन में सिमिलैरिटीज समझ में आ जाएगी। ठीक है, और अगर आपने जस्ट अभी कुछ घंटे पहले ही, दो चार घंटे पहले या आज 8-10 घंटे के गैप में ही आपने अभी फ्लैट पाइवट बियरिंग का डेरिवेशन देखा था और ये वीडियो अब स्टार्ट कर दिया, तो वेरी गुड, कैरी ऑन करते हैं। ठीक है, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये डेरिवेशन में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेसी आ जाएगा, तो वो कॉम्प्लिकेसी आपको बहुत ईजी लगे, उसका बेस बन जाएगा अगर आपने फ्लैट पाइवट बियरिंग को अच्छे से समझ लिया है। तो इसलिए फ्लैट पाइवट बियरिंग को अभी देख लीजिए, उसकी जस्ट बाद ये वाला डेरिवेशन देखिए। ठीक है, देखिए कोनिकल पाइवट बियरिंग होती कैसी है, फ्लैट पाइवट बियरिंग कैसी थी, एक रफ डायग्राम अगर हम बनाए तो ये हमारी शाफ्ट है और कुछ ऐसी हमारी बियरिंग थी, ये तो फ्लैट। कोनिकल पाइवट बियरिंग में ये हमारी हो गई कोनिकल पाइवट बियरिंग, हाँ या ना? ठीक है, फ्लैट लास्ट डेरिवेशन में देखा, अब हम देखते हैं कोनिकल पाइवट बियरिंग। तो कोनिकल पाइवट बियरिंग का कुछ एनलार्ज्ड डायग्राम बना देते हैं हम। देखिए नॉर्मली हम क्या करते थे, पहले एक नॉर्मल डायग्राम बना रहा हूं, ये देखिए इस तरीके से हम बनाते थे, ये हमारा कोनिकल पाइवट बियरिंग। लेकिन याद है लास्ट वीडियो हमने एक चीज बनाई थी, वो इनर रेडियस ऑफ शाफ्ट जिसको हम पॉकेट बोलते हैं, पॉकेट रेडियस, वो चीज कहां बनाएंगे, वो चीज इधर बनेगी। ठीक है, अब बात रही हमारा लुब्रिकेंट कहां से आएगा, तो लुब्रिकेंट के लिए हम यहां जगह बना देंगे। ये लीजिए, ये हमारा क्या बन गया, कोनिकल पाइवट बियरिंग। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं, हर चीज हम मार्क कर देते हैं। यहां से तो हमारा क्या आएगा, पीआई। पीआई क्या है लिख देते हैं हम, इनलेट प्रेशर ऑफ लुब्रिकेंट। पीओ आउटर प्रेशर ऑफ लुब्रिकेंट। पीओ होगा कहां, देखिए पीआई आया यहां से और ऐसे निकल रहा है,
लास्ट वीडियो में फ्लैट पिवट बियरिंग में पीआई आया और इस तरीके से चला गया था, यहां पे एक एंगल से निकलेगा, तो ये हो गए हमारे क्या पीओ। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, पहले समझ लीजिए फिर इसको लिखेंगे। ठीक है, ये चीज हो गई पी आई पीओ। अब ये जिस डिस्टेंस से हमारा लुब्रिकेंट गुजर रहा है यही हमारा क्या होगा मिनिमम फिल्म थिकनेस। एच नॉट हो गया हमारा क्या मिनिमम फिल्म, किसकी फिल्म, लुब्रिकेंट की फिल्म। चलिए ठीक है, ये भी समझ में आ गया। अब हम क्या बात करते हैं, P नॉट हो गया, H नॉट हो गया, PI हो गया। ये क्या है हमारी एक शाफ्ट है जो एक्सियली लोड लगा रही है। ठीक है, तो शाफ्ट को कुछ ऐसा दिखा देते हैं। ये शाफ्ट का एक्सिस NRPM से घूम रहा है। रोटेशन पर मिनट ऑफ शाफ्ट, ठीक है, और यहां से यहां तक तो हो गया RO, और यहां से ये जो पॉकेट है इसका डिस्टेंस यहां सेंट एक्सिस ऑफ शाफ्ट से हो गया RI। चलिए ये भी लिख देते हैं RO आउटर रेडियस ऑफ शाफ्ट और RI इनर रेडियस या फिर पॉकेट रेडियस भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, और कोई चीज रह गई, एक चीज और रह गई क्या, ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक, ये जो स्लैंट है इस चीज का लेंथ है L। L क्या है, जिस यहां से लुब्रिकेंट आया और जिस लेंथ तक हमारा लुब्रिकेंट फ्लो हो रहा है वो लेंथ है L। ठीक है, समझ में आ गया इतनी चीज। तो अब देखिए दो चीजें हमने अभी तक मेंशन नहीं की, ये शाफ्ट क्या कर रही है बियरिंग पे लोड लगा रही है, कैसे, कुछ इस तरीके से। लोड एक्सर्टेड ऑन बियरिंग, हाँ है ना, ये भी हो गया। और कोई चीज रह गई हमारी इस डायग्राम में, एक चीज और रह गई है क्या, ये जो एंगल है ये एंगल कितना है ये तो हमने अभी तक मेंशन ही नहीं किया, इसको इधर दिखा देते हैं, ये दोनों एंगल सेम है क्योंकि ये है कोनिकल पिवट बेयरिंग, ये है अल्फा। अल्फा क्या है, कोनिकल एंगल नहीं, सेमी कोनिकल एंगल या सेमी कोन एंगल। समझ में आया फ्रेंड्स, ठीक है, इतनी है हमारी सारी चीजें। अब हम क्या करते हैं इसका डेरिवेशन। अब देखिए जरा रिकॉल कीजिए लास्ट वीडियो में हमने डेरिवेशन स्टार्ट कैसे किया था। सबसे पहले हमने शाफ्ट का, हमारी शाफ्ट बेयरिंग पे शाफ्ट है, उस शाफ्ट का क्रॉस सेक्शनल का एक एलिमेंटल रिंग कंसिडर किया। ठीक है, तो इसका भी हम क्या करते हैं एक एलिमेंटल एरिया कंसिडर करेंगे छोटा सा, उसके लिए कैलकुलेट करेंगे हम पहले डीपी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं पहले इसको मैं एनलार्ज करके बना देता हूं, कुछ इस डायग्राम को एनलार्ज करेंगे तो कुछ इस तरीके का दिखाई देगा ये। हाँ या ना, इसमें हम क्या बात करते हैं, ये हो जाएगा RI ये हो जाएगा RO और ये एक स्मॉल है लेकिन एनलार्ज करके हमने इतनी बड़ी दिखा रखी है ताकि आप इसको समझ जाएं। ये एक स्मॉल एलिमेंटल छोटी सी स्ट्रिप कंसिडर की, ये पूरा क्या है, ये वो लेंथ है जिससे लुब्रिकेंट फ्लो हो रहा है, पूरा लेंथ है L। इसका लेंथ मैं क्या मानता हूं, इस पॉइंट से है x डिस्टेंस पे और इसका लेंथ है dx। ठीक है, पूरा लेंथ तो क्या हो जाएगा L,
पूरा लेंथ तो एल है, और चीज यस, सेमी कोन एंगल हो गया। अब देखिए हम क्या बात करते हैं, ये जो dx है ये क्या था, एक्सिस ऑफ शाफ्ट, एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ शाफ्ट, ठीक है, यहीं से हमने ri और ro मेजर किया है। ये कितने डिस्टेंस पे है, ये हम मानते हैं एक r डिस्टेंस पे है, ठीक है। अब देखिए ये r हम मान रहे हैं, तो इस r को गिवन टर्म्स, गिवन हमारे पास क्या क्या है इसमें जो फिक्स है, ro, ri और l, ये फिक्स है, और अल्फा भी, ठीक है। इन टर्म्स में हमें r निकालना होगा, ठीक है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले r को मानते हैं r इक्वल्स टू, r क्या होगा, हम बोल सकते हैं r i प्लस ये डिस्टेंस, लेकिन ये डिस्टेंस वेरी कर रहा है, यहां से यहां तक अलग अलग हो सकता है, तो हम क्या बोलेंगे, r i प्लस r o माइनस r i इंटू एक्स बाय एल। कैसे, देखिए जब मैंने कहा x कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, x x इक्वल्स टू जीरो से x इक्वल्स टू एल तक वेरी कर रहा है, समझ में आया। हम क्या बात कर रहे हैं, जब x इक्वल्स टू जीरो होगा, x इक्वल्स टू जीरो होगा, ठीक है, तो r का डिस्टेंस इज r i, देखिए x इक्वल्स टू जीरो ये पूरा टर्म हट गया, r इक्वल्स टू r i, एंड व्हेन x इक्वल्स टू l तब r इक्वल्स टू r नॉट होना चाहिए था, x इक्वल्स टू l तो 1 हो गया ये टर्म, तो r i कट गया, क्या बचा, r नॉट, r इक्वल्स टू r नॉट, व्हेन x इक्वल्स टू l तब r इक्वल्स टू r नॉट, समझ में आया, ये रिलेशन हो गया। अब हम क्या बात करते हैं, ये टर्म ठीक है, आर नॉट, आर आई, एल, ये सब ठीक है, एक्स हमारा वेरी कर रहा है, ठीक है, एक्स कहां से कहां तक वेरी करेगा, जब हम बाद में इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स को वेरी करा देंगे फ्रॉम जीरो टू एल, समझ में आया। अब हम क्या करते हैं, एक छोटी सी चीज और कर लेते हैं, क्या, सिंस साइन अल्फा इक्वल्स टू, अब मैं क्या करता हूं, एक साइन अल्फा लगा देता हूं, साइन अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर, ये डिस्टेंस क्या है, आर नॉट माइनस आर आई, ये तो आर आई है ना, आर नॉट माइनस आर आई अपॉन ये सिंस है, ठीक है, अपॉन हाइपोटेनियस एल, इस ट्राइंगल में लिया मैंने, ठीक है, इस ट्राइंगल का नाम लिख देते हैं ओ ए बी, इन ट्रायंगल ओ ए बी, ठीक है, साइन अल्फा ये हो गया, तो हम क्या बोल सकते हैं, अब देखिए आर नॉट माइनस आर आई अपॉन एल, जरा ये देखिए ये टर्म्स क्या है हमारे, आर नॉट बाय आर आई अपॉन एल, तो हम क्या बोल सकते हैं, देयर फोर आर इक्वल्स टू आर आई प्लस ये वाले टर्म को क्या बोल सकते हैं, साइन अल्फा, और ये एक्स तो वैसे का वैसा एक्स साइन अल्फा, ये क्या आ गया आर। अब देखिए हम बोल सकते हैं कि सर आर नॉट आर आई और एल भी तो फिक्स है, हाँ भाई फिक्स है, लेकिन ये क्या थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, इसको छोटा करने के लिए मैंने केवल साइन अल्फा रख दिया, अब देखो काफी छोटा आ गया, आर इक्वल टू आर आई प्लस एक्स साइन अल्फा, आर इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, जैसे जैसे एक्स वेरी करेगा आर मेरा वेरी करता जाएगा, एक्स इक्वल टू जीरो पे आर स्मॉल आर इक्वल टू आर आई और एक्स इक्वल टू एल पे स्मॉल आर इक्वल टू आर नॉट, समझ में आ गया। चलिए ठीक है, यहां तक तो हमें क्लियर हो गया कि यहां पर क्या करना है। अब हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, हमने क्या कहा, देखो डेरिवेशन हमने दो निकालने हैं, Q और W, पहले Q का निकालना है, Q क्या था, फ्लो रेट ऑफ लुब्रिकेंट, ठीक है, तो फ्लो रेट का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए सिंस Q क्या होगा, डेल P इंटू बी एच क्यूब अपॉन 12 म्यू L, ये तो हमारा आया था लास्ट वीडियो की तरह फ्लूइड मैकेनिक्स से फ्लो थ्रू सर्कुलर पाइप, ठीक है, ये फॉर्मूला हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, हम क्या बोलेंगे यहां पे, हियर हमारे लिए B क्या हो जाएगा, देखिए B क्या था, इस क्वेश्चन के लिए B है वो विड्थ जिससे हमारा जो भी फ्लूइड फ्लो हो रहा है, हमारे एलिमेंटल एरिया के लिए, हमारा एलिमेंटल एरिया r दूरी पे, तो इसके लिए विड्थ क्या हो गया 2 पाई r, समझ में आया, इसको क्रॉस सेक्शनल व्यू आप देखेंगे तो विड्थ क्या हुआ,
एक स्मॉल एलिमेंटल स्ट्रिप, एक इतनी सी हमने कंसिडर की है dx नेग्लिजिबल थिकनेस की, ठीक है, r दूरी पे, तो कितना हुआ 2 पाई r, तो हमारे लिए b क्या हो गया 2 पाई r। h जिस एरिया से, जिस विड्थ, जिस हाइट से हमारा फ्लूइड फ्लो हो रहा है, वो हमारे पास क्या है h नॉट, और कोई चीज रह गई, यस, और क्या बचा हमारे पास l, हमारा r के लिए l, L क्या था, कितने लेंथ के लिए हमारा लुब्रिकेंट किस लेंथ के लिए फ्लो रहा है, एक स्ट्रिप हमने कंसीडर की जिसका लेंथ है dx, तो हम तो ये कंसीडर कर रहे हैं पूरे का बाद में निकालेंगे कि लुब्रिकेंट यहां से यहां तक फ्लो रहा है, जिसका विड्थ हो गया 2 पाई r, हाइट हो गई h नॉट, h नॉट विड्थ, h नॉट थिकनेस में से गुजर रहा है, और कितने लेंथ के लिए गुजर रहा है dx के लिए, हाँ या ना, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देयरफॉर अब इसमें फॉर्मूले में वैल्यू रखो, Q इक्वल्स टू dP इंटू बी की जगह 2 पाई आर, H की जगह एच नॉट क्यूब डिवाइडेड बाय 12 म्यू, म्यू क्या है विस्कोसिटी ऑफ लुब्रिकेंट, चाहे तो इससे भी आप लिख सकते हैं इसी जगह पे, ठीक है, इसी जगह पे आप लिख लीजिएगा, ट्वेल्व म्यू एल की जगह क्या आ जाएगा dx, सोच में आया फ्रेंड्स, अब हमें चाहिए थोड़ा सा स्पेस, तो आप क्या कीजिए, पूरा पहले कैसे किस ऑर्डर में लिखेंगे, पहले ये लिखिएगा, फिर गिवन डाटा लिखिए, फिर इस छोटे से पार्ट को एनलार्ज करके बनाइए, यहां पे स्ट्रिप कंसिडर करी, स्ट्रिप को r को आपने ri प्लस एक्स साइन अल्फा तक लिख लिया, फिर आप लगाएंगे क्या अपने फ्लो रेट का फॉर्मूला फ्रॉम फ्लूइड मैकेनिक्स, यहां पे हमारे टर्म्स में यहां पे b हो जाएगा 2 पाई r, h हो जाएगा h नॉट और l हो जाएगा dx फॉर अवर कैलकुलेशन, हमने जो चीजें कंसीडर किया उसके रिस्पेक्ट में, तो हमने वैल्यूज पुट करी, ये हो गया, अब हम dp इक्वल्स टू रीअरेंज करेंगे, उसके लिए अब हम सारा रब कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए पहले आप वीडियो पॉज करके ये पूरा लिख लीजिए, जिन्होंने नहीं लिखा, जिन्होंने लिख लिया है वो वीडियो कंटिन्यू कीजिए, ओके फ्रेंड्स, आई होप आपने वीडियो पॉज करके लिख लिया होगा, जिन्होंने नहीं लिखा पॉज करके लिख लीजिए, अब हम चलते हैं आगे, देखिए डेरिवेशन कन्वेंशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये फॉर्मूले को हम यहां लिख लेते हैं ताकि उसको भी रब कर दें, ये लीजिए, इसको अभी लिख रहे देते हैं, R इक्वल्स टू R I प्लस X sin अल्फा, ठीक है, जहां जरूरत पड़ेगी अब हम वहां पे दोबारा ड्रॉ कर लेंगे ताकि हम एक बार में डेरिवेशन को कंप्लीट कर पाए, ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, डीपी को हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर डीपी इक्वल्स टू, इधर आइए, क्या बचेगा 12 क्यू म्यू डीएक्स अपॉन, हमारे पास क्या आ गया 2 पाई आर इंटू एच नॉट क्यू, 2 वन जा 2 सिक्स जा, क्या बचा हमारे पास 6 म्यू क्यू अपॉन पाई एच नॉट क्यूब, 6 म्यू क्यू अपॉन पाई एच नॉट क्यूब, अब क्या बचा हमारे पास इंटू डीएक्स अपॉन आर, ठीक है, 6 म्यू क्यू अपॉन पाई एच नॉट क्यू
इंटू डी एक्स अपॉन, अब आर की वैल्यू पुट कीजिए, आर आई प्लस एक्स साइन अल्फा, ये क्या आया हमारा डी पी। म्यू कॉन्स्टेंट है, क्यू कॉन्स्टेंट है, पाई कॉन्स्टेंट है, एच नॉट कॉन्स्टेंट, ये पूरा टर्म हो गया कॉन्स्टेंट। ये फंक्शन है डी एक्स का, आर आई कॉन्स्टेंट है, साइन अल्फा अल्फा भी कॉन्स्टेंट है, ठीक है, केवल एक्स वेरी कर रहा है और यहां पे पी वेरी कर रहा है, ओके। अब देखिए एक ऑब्जर्वेशन वाला पॉइंट, डी पी और डी एक्स, पी बढ़ रहा है, एक्स बढ़ रहा है, एक्स कैसे वेरी कर रहा था हमारा, देखिए डायग्राम कुछ इस तरीके का था, ठीक है, एक्स यहां से स्टार्ट होते यहां तक बढ़ रहा है, जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है मेरा पी डिक्रीज हो रहा है, पी कैसे डिक्रीज हो रहा है, आया कैसे था हाई प्रेशर से, ठीक है, फिर यहां से आके ऐसे गुजर गया लुब्रिकेंट, हाई प्रेशर से लो, यहां हाई प्रेशर होगा, यहां एटमोस्फेरिक लो प्रेशर होगा, ये हाई लो, तभी तो हमारा लुब्रिकेंट यहां से ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है, लुब्रिकेंट हमारा जो भी फ्लूइड है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर से फ्लो, हाई प्रेशर से स्टार्ट होगा और लो प्रेशर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे x बढ़ रहा है मेरा p डिक्रीज हो रहा है, x यहां पे p ज्यादा था, x बढ़ रहा है और देखिए p यहां से डिक्रीज हो रहा है, तो x बढ़ रहा है और p डिक्रीज हो रहा है, तो हम क्या बात करेंगे, एक माइनस साइन ले लेंगे, ठीक है, माइनस साइन क्यों, रीजन सिंस एज x इज इंक्रीजिंग फ्रॉम 0 टू l, p इज डिक्रीजिंग, ठीक है, तो अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एक डिक्रीज हो रहा है एक इंक्रीज, तो हम एक माइनस साइन लगा देंगे, ठीक है। अब हम करेंगे इसको इंटीग्रेट, ओके। अब देखिए ये टर्म हमारा इंटीग्रेट कहां से कहां तक करेगा, x इंटीग्रेट करेगा 0 टू l, हाँ या ना, यह एक काम करते हैं हम इनकी लिमिट्स बाद में पुट करते हैं, पहले इंटीग्रेट कर देते हैं फिर देखेंगे एंड कंडीशंस क्या क्या लगानी है, एक कांस्टेंट आ जाएगा बाद में कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, लेफ्ट साइड में क्या बचेगा, डीपी का इंटीग्रेशन आएगा, पी इक्वल टू ये पूरा तो कॉन्स्टेंट माइनस सिक्स म्यू क्यू अपॉन पाई एच नॉट क्यू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन आर आई प्लस एक्स साइन अल्फा, इसका इंटीग्रेशन। अब हम क्या बात करते हैं, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय ए एक्स प्लस बी, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, देखिए 1 बाय ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन ln ए एक्स प्लस बी और इसका डिफरेंशिएशन 1 बाय ए प्लस सी, तो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर हमारा p का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस सिक्स म्यू क्यू अपॉन पाई एच नॉट क्यू, ये तो हुआ कांस्टेंट, इसका डिफरेंट इसका इंटीग्रेशन हुआ ln ऑफ आर आई प्लस एक्स साइन अल्फा और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे सिर्फ साइन अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस सी, ये क्या आया हमारा, ये तो आ गया हमारा p, समझ में आ गया ये, ओके। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्या अब हम लगाते हैं एक बाउंड्री कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन फर्स्ट क्या, एट x इक्वल टू l, जब x की वैल्यू l होगी तो p का वैल्यू क्या हुआ, एटमोस्फेरिक प्रेशर जिसको हम जीरो लेंगे, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू की बात नहीं कर रहे अभी हम, x इक्वल टू l पे p का वैल्यू जीरो, तो आइए जरा पुट करते हैं, p का वैल्यू जीरो इक्वल टू माइनस सिक्स म्यू क्यू अपॉन पाई एच नॉट क्यू इंटू एल एन आर आई प्लस एल साइन अल्फा अपॉन अल्फा अपॉन साइन अल्फा, ठीक है, प्लस सी, तो यहां से सी का वैल्यू क्या आ गया, देयरफॉर सी इक्वल्स टू ये पूरा टर्म प्लस में हो गया सिक्स म्यू क्यू अपॉन पाई एच नॉट क्यूब इंटू एल एन आर आई प्लस एल साइन अल्फा
अपॉन साइन अल्फा, ये क्या आ गया मेरा c का वैल्यू जो मेरा कांस्टेंट था, ठीक है, इसको इसमें पुट कीजिए, देयरफॉर p का वैल्यू क्या हो जाएगा। अभी देखिए c में भी एक टर्म आएगा 6 म्यू क्यू अपॉन पाई एच क्यूब, दोनों में से कॉमन ले लेता हूं, माइनस 6 म्यू क्यू अपॉन पाई एच क्यूब, ठीक है, क्या बचा मेरे पास इंटू साइन अल्फा 1 बाय साइन अल्फा, ये भी है कॉमन। अब देखिए मेरे पास क्या बच रहा है, यहां पे तो बचा ये वाला टर्म ln ri प्लस x साइन अल्फा प्लस c, ठीक है, प्लस c, c मतलब ये वाला टर्म, लेकिन माइनस बाहर लिया तो यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस ये पूरे टर्म बाहर आ गए, तो क्या बचेगा माइनस ln आर आई प्लस एल साइन अल्फा, सोच में आया फ्रेंड्स। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, देखिए इसको ln a माइनस ln b, इसको मैं बोल सकता हूं ln a बाय b, तो हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर p इक्वल्स टू माइनस 6 म्यू क्यू अपॉन साइन अल्फा इंटू पाई एच नॉट क्यू, ये हो गया इंटू एल एन आर आई प्लस एक्स साइन अल्फा डिवाइडेड बाय आर आई प्लस एल साइन अल्फा, ये आ गया मेरा p का वैल्यू। अब इसमें कुछ भी कॉन्स्टेंट्स नहीं बचे, ठीक है, माइनस साइन के साथ आया, ये हुई हमारा क्या p की वैल्यू आ रही है। ओके अब हम क्या रखते हैं, बाउंड्री कंडीशन दूसरी रखते हैं, एक बाउंड्री कंडीशन तो हमने ये रखी थी, दूसरी बाउंड्री कंडीशन लगा देते हैं अब हम, बाउंड्री कंडीशन टू क्या आई, एट x इक्वल्स टू जीरो, जब x जीरो था तब p क्या था, p i कैसे, देखिए डायग्राम कुछ ऐसा था, x इक्वल्स टू जीरो मतलब ये पॉइंट, इस पॉइंट पे तो ही हमारा लुब्रिकेंट का इनलेट है, तो x इक्वल्स टू जीरो पे प्रेशर क्या हुआ लुब्रिकेंट का, p i, वैल्यू पुट कीजिए, देयरफॉर p की जगह p i इक्वल्स टू माइनस 6 म्यू क्यू अपॉन पाई एच नॉट क्यूब इंटू साइन अल्फा इंटू एक्स इक्वल टू जीरो पुट कीजिए, हमारे पास क्या बचेगा एल एन आर आई अपॉन आर आई प्लस एल साइन अल्फा। ओके ये क्या आया हमारा पी आई का वैल्यू, तो आप क्या कहेंगे, अब देखिए ये चीज हो गई, अब एक छोटी सी चीज और हम देखते हैं, जरा डायग्राम को हम वापस ऑब्जर्व करते हैं, डायग्राम कुछ इस तरीके का था, आर आई आर ओ अल्फा, साइन अल्फा क्या था हमारे पास, साइन अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब आर ओ माइनस आर आई अपॉन एल, एल साइन अल्फा मतलब आर ओ माइनस आर आई, हाँ या ना, तो हम क्या पुट करते हैं पी आई इक्वल टू माइनस 6 म्यू क्यू अपॉन पाई एच नॉट क्यूब इंटू साइन अल्फा इंटू एल एन आर आई अपॉन आर आई प्लस एल साइन अल्फा की जगह मैं पुट कर सकता हूं आर नॉट माइनस आर आई, हाँ या ना, दोनों आर आई कैंसिल हो गए, ठीक है, और अगर माइनस में एल एन में मल्टीप्लाई कर दो तो ये इनवर्स हो जाएगा, पी आई इक्वल्स टू 6 म्यू क्यू अपॉन पाई एच नॉट क्यूब इंटू साइन अल्फा इंटू एल एन, नीचे आर नॉट है वो ऊपर आ जाएगा आर नॉट बाय आर आई, समझ में आया। अब ये तो हुआ मेरा क्या पी आई का वैल्यू, मुझे पहले चाहिए क्यू, ठीक है, Q का वैल्यू क्या हुआ, देयरफॉर Q इक्वल्स टू 2
पूरा मल्टीप्लाई कीजिए इधर, पाई एच नॉट क्यू इंटू साइन अल्फा इंटू पी आई डिवाइडेड बाय 6 म्यू इंटू एल एन आर आउटर अपॉन आर इनर। ये आ गया माय डियर फ्रेंड्स मेरे फ्लो रेट ऑफ लुब्रिकेंट इन टर्म्स ऑफ मिनिमम फिल्म थिकनेस, विस्कोसिटी ऑफ द लुब्रिकेंट, सेमी कोन एंगल या सेमी कोनिकल एंगल ऑफ द बियरिंग, इनलेट प्रेशर ऑफ द लुब्रिकेंट, आउटर रेडियस ऑफ द शाफ्ट एंड द इनर रेडियस या फिर रेडियस ऑफ द पॉकेट ऑफ द शाफ्ट। सोच में आया फ्रेंड्स, ये था मेरा सिर्फ Q तक का डेरिवेशन। आगे है हमारा W। देखिए Q तो आ गया, अब हमारा अब W बचा। अब W कोई बहुत टफ काम नहीं है, लेकिन उसके लिए हमें वापस स्पेस चाहिए। तो आप वीडियो पॉज करके इस ऑर्डर में पहले ये लिखिए, फिर ये लिखिए, फिर ये लिखिए, फिर हम चलते हैं हमारे W के डेरिवेशन की तरफ। ओके फ्रेंड्स, चलिए वीडियो पॉज कर दीजिए, फिर लिखिए। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपने लिख लिया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे W के डेरिवेशन की तरफ। जो जो जरूरी चीजें हैं वो हम रख देते हैं, बाकी सब रब कर देते हैं। Q का हमें जरूरत पड़ेगा, Q को अभी यही छोड़ देते हैं और बाकी चीजें हम लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए हम अब बात करते हैं, Q तो हो गया, W, W क्या था? दो तरीके से हमने W को समझा। पहला, शाफ्ट के रेस्पेक्ट में देखें तो हम कहेंगे कि शाफ्ट हमारा एक्सियल डायरेक्शन में, एक्सियल कितना लोड लगा रही बेयरिंग में, ठीक है, ये बेयरिंग शाफ्ट कितना लोड लगा रही है। दूसरा, बेयरिंग के रेस्पेक्ट में हम ऐसे बोल सकते हैं कि बेयरिंग पे कितना लोड झेल सकती है शाफ्ट का, या लोड बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ हमारी कोनिकल पाइवट बेयरिंग। ठीक है, तो W को आप जैसे भी चाहे समझ सकते हैं, बस मन में क्लियर होना चाहिए कि W क्या चीज है। ठीक है, मैं तो प्रिफर करूंगा कि आप दोनों ही तरीकों को मन में रखें। क्यों? अभी हम देखेंगे W क्या हुआ। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं, देखिए हमारा डायग्राम कुछ ऐसा था। ये था, यहां से हमारी ये जो शाफ्ट है ये W लोड एग्जर्ट कर रही है बियरिंग पे। ओके, अब देखिए ये लोड झेल कौन कौन रहा है, हम पहले ये देखेंगे। ओके, अब देखिए ये लोड किस किसने झेला, हम कहेंगे इस लोड को झेला गया, यहां से हमारी थी बियरिंग, ये हमारी बियरिंग है, यहां पे आया इनलेट प्रेशर। ठीक है, तो हम कहेंगे कि एक तो हमारा लोड एक तो झेला इस इनलेट प्रेशर ने, दूसरा यहां से जो ये दोनों दोनों तरफ से। ठीक है, अब एक्चुअल में देखिए क्या ये दो साइड्स हैं? नहीं, ये दो साइड नहीं है, ये एक सर्कुलर शाफ्ट है, तो ये पूरी पेरिफेरी पे इस डायरेक्शन में ऐसे टिल्टेड, लेकिन पूरी पेरिफेरी पे है। सोच में आया? ठीक है, तो W को झेला एक तो ये वाला प्रेशर और एक यहां से निकलने वाला आउटर प्रेशर, इन दोनों ने मिलके झेला। ठीक है, लेकिन हमने कहा कि अभी तक हमें ये पी नॉट वाली चीजें नहीं पता है। ठीक है, हमें इस फॉर्मूले में तो पी आई पता था। क्यों? क्योंकि पी मेरा वेरी कर रहा है। जब यहां था x इक्वल टू एल पे p इक्वल टू पी आई, और x इक्वल टू जीरो पे p इक्वल टू पी आई, और x इक्वल टू एल पे
पी इक्वल्स टू पी नॉट या एटमोस्फेरिक या फिर हमने उसको ले लेते इक्वल्स टू जीरो। सोच में आया, गेज प्रेशर की बात करी हमने। ओके तो हम क्या बात करते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं W का कहां कहां पे कॉन्ट्रीब्यूशन है। W जो हमारा शाफ्ट लोड लगा रही है, इस लोड को झेला किस किस ने, हम कहेंगे देखिए पी आई इंटू एरिया। पी आई किसने झेला, पाई आर आई स्क्वायर। पी आई को इस एरिया ने झेला, पी आई किस एरिया पे लग रहा है, इस एरिया पे। तो प्रेशर इंटू एरिया आ जाएगा फोर्स, एक तो ये हुआ, चलिए ठीक है, वेरी गुड, ये तो हो गया। अब देखते हैं हम दूसरा वाला जो हमारा एलिमेंटल एरिया था, ठीक है। अब देखिए एलिमेंटल एरिया को हमने कैसे कंसिडर कीजिए किया, ये वाला हमें तो समझ में आ गया, इनलेट प्रेशर को झेला है हमारे पाई आर आई स्क्वायर इस सर्कुलर एरिया ने। जो ये वाला है ये तो वेरी कर रहा है, ठीक है। कैसे वेरी कर रहा है, हमने क्या माना था कि एक आर डिस्टेंस पे एक स्ट्रिप होगी, ठीक है। तो ये क्या होगा, पी प्रेशर कितना हुआ, पी इंटू किस एरिया पे लग रहा है, ये हम कहेंगे टू पाई आर, टू पाई आर इंटू इसका थिकनेस कितना है डीएक्स, टू पाई आर इंटू डीएक्स, ठीक है। अब प्रेशर की बाद में बात करते हैं, पहले किस एरिया पे, एक तो लग रहा है पी आई, अब जो मेरा रिमेनिंग पी है वो किस एरिया पे लग रहा है, टू पाई आर डीएक्स। अब हम बोलेंगे सर टू पाई आर तो वो सर्कमफेरेंस, dx उसका थिकनेस, तो एग्जैक्टली उस स्ट्रिप का एरिया मिल गया, ठीक है। अब मुझे बताइए प्रेशर कितना लग रहा है, क्या प्रेशर p लग रहा है, हाँ या ना, मैं कहूंगा नहीं, प्रेशर p नहीं लग रहा। क्यों, क्योंकि देखिए ये एंगल दोनों ही क्या है अल्फा, ये है मेरा p, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट क्यों चाहिए, क्योंकि देखिए ये है पी आई, ये है पी आउटर, मुझे तो P चाहिए, तो P क्या होगा एग्जैक्टली, वर्टिकल कंपोनेंट जो इस पे लग रहा होगा, इस स्ट्रिप पे, इस स्ट्रिप पे जो वर्टिकल डायरेक्शन में प्रेशर लग रहा है वो क्या होगा, P साइन अल्फा। सोच में आया, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, जो P नॉट लग रहा है उसको हम लिख सकते हैं P साइन अल्फा, P इंटू साइन अल्फा। ये हो गया हमारा P साइन अल्फा प्रेशर झेल रहा है एरिया टू पाई आर डीएक्स। ये हो गया हमारा प्रेशर, ये हो गया हमारा एरिया, यहां पे हो गया ये प्रेशर और ये वाला टर्म डिनोट करेगा एरिया। समझ में आया। अब हम क्या करते हैं, वैल्यूज पुट कर देते हैं, ठीक है। किसकी, आर की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। चलिए आइए, पी आई इंटू पाई आर आई स्क्वायर प्लस पी साइन अल्फा इंटू टू पाई, R का वैल्यू क्या था, R था हमारा आर आई प्लस, सॉरी आर आई प्लस एक्स साइन अल्फा, ठीक है dx। इस पूरे टर्म को हम इंटीग्रेट कर देंगे, x कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, x इक्वल टू जीरो से x इक्वल टू एल तक ये पूरा वेरी कर रहा है। ओके फ्रेंड्स, ये भी समझ में आ गया हमें। अब देखो इसमें क्या क्या कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है टू पाई कांस्टेंट है, आर आई कांस्टेंट है, अल्फा कांस्टेंट है, एक्स वेरी कर रहा है, पी कांस्टेंट है नहीं, पी क्या होगा, हम ऐसे लिख सकते हैं यहां पर रिकॉल कराने के लिए, सिंस पी का वैल्यू हमारे पास क्या आया था, सिक्स म्यू क्यू अपॉन पाई एच क्यूब इंटू साइन अल्फा इंटू एल एन R नॉट अपॉन आर आई प्लस एक्स साइन अल्फा। पी तो खुद ही x का फंक्शन है, हाँ या ना, तो ये p भी हमारा कॉन्स्टेंट नहीं है, तो हम क्या बात करते हैं, देयर फोर ये तो w चल रहा है अभी तक हमारा ब्लू से, तो हम इसको यहां पे w लिखते हैं, w इक्वल्स टू पी आई इंटू पाई आर आई स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट टर्म बाहर निकाल लेते हैं टू पाई साइन अल्फा, ये कांस्टेंट हो गया। अब क्या बचा, P इंटू ये, P क्या है, P को भी लिख लेते हैं पूरा का पूरा, इंटीग्रेशन ऑफ
x इक्वल टू जीरो से x इक्वल टू एल तक पी पी इज सिक्स म्यू क्यू अपॉन पाई एच नॉट क्यूब इंटू साइन अल्फा इंटू एल एन आर नॉट अपॉन आर आई प्लस एक्स साइन अल्फा। ये तो हो गया पी, अब बचा ये वाला टर्म इंटू आर आई प्लस एक्स साइन अल्फा डी एक्स। ठीक है, ये टर्म भी कॉन्स्टेंट है, चलिए इसको भी बाहर निकाल लेते हैं हम। प्लस टू पाई इंटू साइन अल्फा इंटू सिक्स म्यू क्यू डिवाइडेड बाय पाई एच नॉट क्यूब इंटू साइन अल्फा। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट्स तो वही रहेंगी एक्स इक्वल टू जीरो से एक्स इक्वल टू एल तक, और अंदर क्या बचा हमारे पास इंटीग्रेशन के एल एन ऑफ आर नॉट अपॉन आर आई प्लस एक्स साइन अल्फा इंटू आर आई प्लस एक्स साइन अल्फा डी एक्स। सोच में आ गया फ्रेंड्स, थोड़ा सा कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई से पाई कट गया और कुछ कटा, साइन अल्फा से साइन अल्फा कट गया। ठीक है, तो हमारा अभी तक तो w इतना आके रुक गया कि पाई आर आई स्क्वायर इंटू पी आई प्लस 12 म्यू क्यू अपॉन एच नॉट क्यू। अब हमारे पास ये बड़ा सा इंटीग्रेशन सॉल्व करने वाली चीज बची हुई है, x इक्वल टू जीरो से x इक्वल टू एल, और अंदर क्या बचा एल एन ऑफ आर नॉट अपॉन आर आई प्लस एक्स साइन अल्फा इंटू आर आई प्लस एक्स साइन अल्फा इंटू डी एक्स। अब ये बड़ा सा इंटीग्रेशन हमारे के लिए सॉल्व करना रह गया है। ओके, अब हम करते हैं क्या फ्रेंड्स, पहले हम इसको अलग से इंटीग्रेट कर लेते हैं क्योंकि इसका इंटीग्रेशन थोड़ा खुद में ही एक अच्छा टास्क है। ठीक है, हम क्या बात करते हैं कि आई को मान लेते हैं इसका इंटीग्रेशन ऑफ आर आई प्लस एक्स साइन अल्फा इंटू एल एन आर नॉट अपॉन आर आई प्लस एक्स साइन अल्फा डी एक्स, और एक्स तो जीरो से एल तक वेरी कर रहा है, उसका कोई टेंशन नहीं है। अब हम क्या करते हैं, इसमें कुछ अज्यूम कर लेते हैं, इस टर्म को हम कुछ मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, इसको रब करना पड़ेगा, P और Q हमारे लिए जरूरी वैल्यूज हैं, तो Q की वैल्यूज हम इधर लिख देते हैं, पाई एच नॉट क्यूब इंटू साइन अल्फा इंटू पी आई डिवाइडेड बाय सिक्स म्यू इंटू एल एन आर नॉट अपॉन आर आई। ठीक है, ये हो गए हमारी जरूरी वैल्यूज। अब आप पूरा ये यहां तक लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं कि इस इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करना है हमारे लिए। ओके, चलिए वीडियो पॉज करके यहां तक लिख लीजिए। आई होप आपने लिखे यहां तक तो लिख लिया होगा फ्रेंड्स। ठीक है, जितना हो सके अभी हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसको भी लिख ही देते हैं। हमारे पास p कितना आ रहा है, p इक्वल्स टू पाई आर आई स्क्वायर इंटू पी आई प्लस 12 म्यू क्यू अपॉन एच नॉट क्यूब इंटू आई। ठीक है, ये लीजिए, यहां तक भी हो गया हमारे पास। अब चलते हैं हम इसके इंटीग्रेशन में। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ आर आई प्लस एक्स साइन अल्फा इंटू एल एन ऑफ
आर नॉट अपॉन आर आई प्लस एक्स साइन अल्फा डी एक्स। ठीक है, हम क्या मानते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि लेट आर आई प्लस एक्स साइन अल्फा इक्वल्स टू ए। ठीक है, तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, आर आई तो जीरो हो गया, यहां पे क्या आ जाएगा, साइन अल्फा इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी ए। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, डी एक्स इक्वल्स टू डी ए बाय साइन अल्फा। हाँ या ना? ठीक है, अब देखिए x ये तो हुआ हमारा, जब इसको हम ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे, अब x वेरी कहां से कहां तक कर रहा है ये देखते हैं। जब x इक्वल्स टू जीरो होगा तो a इक्वल्स टू आर आई होगा, हाँ या ना? ठीक है, और जब x इक्वल्स टू उसकी अपर लिमिट पे होगा, x कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, जीरो टू l, x इक्वल्स टू जीरो से x इक्वल्स टू l तक, तो जब x इक्वल्स टू l होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a इक्वल्स टू आर आई प्लस एल साइन अल्फा, और ये चीज क्या होती है, आर आई प्लस एल साइन अल्फा इज आर ओ माइनस आर आई विच इज इक्वल्स टू आर ओ, हाँ या ना? ये हम पुट करेंगे इसमें, तो चलिए आइए हम इसका अब इंटीग्रेशन करते हैं। आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ आर आई प्लस एक्स साइन अल्फा को हमने माना ए इंटू एल एन, आर नॉट तो कॉन्स्टेंट है, अपॉन आर आई प्लस एक्स साइन अल्फा मतलब ए इंटू डी एक्स को हमने क्या लिखेंगे, डी ए बाय साइन अल्फा, और ए का लिमिट्स कहां से कहां तक है, आर आई से आर ओ तक। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया, यहां पे भी लिख दीजिए, एक्स इक्वल्स टू जीरो से एक्स इक्वल्स टू एल तक के लिए आप इंटीग्रेट कर रहे हैं। अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, हम कहेंगे i इक्वल्स टू a कांस्टेंट है और साइन अल्फा कांस्टेंट है, तो a अपॉन सॉरी a कांस्टेंट नहीं है, 1 बाय साइन अल्फा बाहर निकाल लीजिए। अब अंदर क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ r i से r o a ln r नॉट बाय a dA। अब थोड़ा इस बड़े फॉर्म से तो काफी छोटा फॉर्म दिख रहा है हमको ये, अब हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, इसको इंटीग्रेशन अलग अलग पार्ट्स में करेंगे, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में किया था, बिल्कुल उसी तरीके से हम क्या करते हैं, एल एन आर नॉट बाय ए को हम कुछ मान लेते हैं। ठीक है, लेट एल एन, इसको हम मान लेते हैं कुछ भी मान लेते हैं, यू मान लेते हैं, यू इक्वल्स टू एल एन आर नॉट बाय ए। ठीक है, तो हम देयर फोर क्या बोल सकता हूं मैं, डी यू इक्वल्स टू, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा ए बाय आर नॉट। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन तो हुआ वन बाय आर नॉट बाय ए मतलब ये, और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा इनटू आर नॉट इनटू माइनस वन बाय ए स्क्वायर, हाँ या ना? आर नॉट से आर नॉट कट गया, इससे ये कट गया, तो हमारे पास क्या बचा, देयरफोर डी यू इक्वल्स टू माइनस वन बाय ए। ठीक है, यहां तक तो हमें समझ में आ गया। अब एक अच्छा डी ए लिखना भूल गए, माइनस डी ए बाय ए। सिमिलरली वी क्या माने, डी वी मानते हैं हम ए डी ए, इंटीग्रेट करो, v क्या हो जाएगा, v इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a dA इज a स्क्वायर बाय 2। समझ में आया? अब देखिए हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, इसे हम रेड से एनसर्कल कर देते हैं। ओके, तो हमारे पास i क्या बचा, इस वाले पार्ट को रब कर देते हैं, नीचे वाला, अब देखिए हमारे पास i क्या बचा, अब देयरफोर
I equals to 1 by sin alpha, integration of a da, तो हमारे पास क्या हो गया, a da हो गया dv, और ये क्या बचा, u. अब हमें करना है इंटीग्रेशन ऑफ u dv. इंटीग्रेशन ऑफ u dv क्या होता है, हमें पता है इंटीग्रेशन ऑफ u dv हो जाएगा uv माइनस इंटीग्रेशन ऑफ du इंटू v. ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ du इंटू v या v du. ठीक है, आइए वैल्यूज पुट करते हैं. 1 बाय साइन अल्फा इंटू यू वी, यू क्या है, एल एन आर नॉट बाय ए, यू इंटू वी क्या है, इंटू ए स्क्वायर बाय टू, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी यू क्या है, माइनस डी ए बाय ए, माइनस माइनस प्लस, इंटू वी क्या है, ए स्क्वायर बाय टू. अब देखिए इस a से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ये क्या बचा टर्म, इसको कहां लिखें, अब हम ये लीजिए, इसको हम लिख देते हैं, देयर फोर आई इक्वल्स टू 1 बाय साइन अल्फा ए स्क्वायर बाय टू इंटू एल एन आर नॉट बाय ए प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ए बाय टू, तो बाय टू तो नीचे रखो, इंटीग्रेशन ऑफ ए डी ए क्या होगा, ए स्क्वायर बाय टू, नीचे ऑलरेडी टू था तो ए स्क्वायर बाय फोर. अब इसमें लिमिट्स क्या रखनी है, ए कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, ए मेरा वेरी कर रहा है कहां से, आर आई से आर ओ तक. अब आइए इसमें वैल्यू रख दीजिए, पहले आर नॉट रखिए, आर नॉट स्क्वायर बाय टू इंटू एल एन आर नॉट बाय आर नॉट प्लस आर नॉट स्क्वायर बाय फोर माइनस, अब आर आई रखिए, आर आई स्क्वायर बाय टू इंटू एल एन आर नॉट बाय आर आई माइनस आर आई स्क्वायर बाय फोर, क्या बचेगा हमारे पास, आई इक्वल्स टू, ये तो हो गया वन, ये पूरा ही टर्म हो गया क्या जीरो. अब देखिए ये कट गया तो हमारे पास क्या बचा, 1 बाय साइन अल्फा इंटू आर नॉट स्क्वायर माइनस आर आई स्क्वायर बाय फोर माइनस आर आई स्क्वायर बाय टू. ये आया मेरा क्या, सिर्फ आई का वैल्यू, आई मतलब ये वाला टर्म का वैल्यू. ओके, अब इसको हम पुट करेंगे जो हमारा पहले बाकी का टर्म था, हाँ या ना. अच्छा एक सेकेंड, यहां पे हमारे पास ये एल एन वाला टर्म भी है, तो हम इसको नीचे लिख देते हैं, आई इक्वल्स टू 1 बाय साइन अल्फा, क्या बचेगा अब हमारे पास, ये वाला टर्म तो हो गया जीरो, ये पूरा हट गया, आर नॉट स्क्वायर बाय फोर माइनस आर आई स्क्वायर माइनस आर आई स्क्वायर बाय टू इंटू एल एन आर नॉट माइनस आर आई. ये आ गया माय डियर फ्रेंड्स आई का वैल्यू. अब हम क्या कैलकुलेट कर रहे थे, डब्ल्यू, सिंस डब्ल्यू इक्वल्स टू पाई आर आई स्क्वायर इंटू पी आई प्लस, अब हमारे पास एक टर्म और बचा हुआ था डब्ल्यू के साथ, वो क्या था, 12 म्यू क्यू अपॉन एच नॉट क्यूब, 12 म्यू क्यू अपॉन एच नॉट क्यूब इंटू आई, और आई में क्या आएगा, ये पूरा टर्म. ठीक है, तो आइए इसको हम पुट करते हैं, पाई आर आई स्क्वायर पी आई प्लस 12 म्यू क्यू अपॉन एच नॉट क्यूब, एच नॉट क्यूब के साथ क्या आ जाएगा, साइन अल्फा, इंटू ये पूरा टर्म, आर नॉट स्क्वायर माइनस आर आई स्क्वायर. अगर हम फोर एलसीएम ले लें तो यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे ऊपर टू मल्टीप्लाई हो जाएगा. ठीक है, और फोर थ्री जा ट्वेल्व,
ठीक है, आर आई आर नॉट स्क्वायर माइनस आर आई स्क्वायर माइनस टू आर आई स्क्वायर इन टू एल एन आर नॉट अपॉन आर आई, ये आ गया मेरा क्या W। लेकिन क्या हम यहां रुक जाएंगे? नहीं, अब हम क्या करेंगे, अब हम Q का वैल्यू पुट करेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए 3 म्यू Q, तो आधे तो Q के टर्म्स हमारे वैसे ही कैंसिल आउट होने वाले, हाँ या ना? तो अगर हम Q का वैल्यू ये रख देंगे पाई एच नॉट क्यूब साइन अल्फा पी आई अपॉन 6 म्यू एल एन आर नॉट माइनस आर आई, तो इसको रीअरेंज कर देंगे। तो आप पहले इतना लिख लीजिए, पहले ये पार्ट, फिर ये पार्ट, फिर ये, और यहां से आप आ जाएंगे इधर, ठीक है, उतना लिख लीजिए, फिर हम रीअरेंज करके इसको फाइनल लिख देते हैं। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपने ये वाला लिख लिया होगा। तो हमारे पास इसको रीअरेंज करने के बाद, अब देखिए पूरे में से कॉमन क्या निकल रहा है, पाई पी आई यहां तो है ही, मैं क्या करता हूं इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे आर आई वाले टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो अंदर बचेगा बाहर पाई पी आई बाय टू आर नॉट स्क्वायर माइनस आर आई स्क्वायर अपॉन एल एन आर नॉट माइनस आर आई, ये बचेगा हमारे पास क्या रीअरेंज करने के बाद। ओके फ्रेंड्स, ये Q का वैल्यू पुट करने के बाद रखेंगे। Q का वैल्यू हमने क्या पुट किया, ये वाला पाई एच नॉट क्यू साइन अल्फा इंटू पी आई डिवाइडेड बाय सिक्स म्यू एल एन आर नॉट माइनस आर आई। ओके फ्रेंड्स, समझ में आया? तो ये हुआ हमारा इस क्वेश्चन का, ये हमारे इंजीनियरिंग सर्विसेज 2015 में भी आया हुआ है 15 मार्क्स का। इसमें दोनों डेरिवेशन पूछे गए थे Q और W का। अब देखिए ये डेरिवेशन थोड़ा सा लंबा जरूर है, लेकिन अगर आप 3 या 4 बार प्रैक्टिस कर लें तो ये डेरिवेशन से भी आपसे 15-20 मिनट्स में हो सकता है। अब 15 मार्क्स का क्वेश्चन आप 20 मिनट में कर रहे हो, डेरिवेशन जिसमें मार्क्स कटने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ये अगर 15 मार्क्स का तो आप अगर पूरा इस तरीके से करोगे तो चांसेस आर आपको 14 तक मिल जाएंगे, ठीक है। तो 15 में से 14 मार्क्स मिल रहे हैं, ये बहुत अच्छा स्कोर है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए ये था हमारा इस डेरिवेशन पे की बात। नेक्स्ट वीडियो में अब हम कुछ और अच्छे पॉइंट डिस्कस करेंगे जो हमारे बेयरिंग कॉन्सेप्ट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए अब इसको वीडियो पॉज करके इसको रीअरेंज करा हुआ फॉर्मूला लिख लीजिए। वो सब याद रखने की जरूरत नहीं है, क्यों याद रखने की जरूरत नहीं है, आप चाहें तो इसको याद रख सकते हैं एज सच, इसकी भी कोई खास प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी कभी भी, लेकिन याद रखना ही है तो सिर्फ ये वाला टर्म याद रखिए, बाकी सारे टर्म्स को याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। केवल डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कन्वेंशनल क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, और कोई इसमें इंपॉर्टेंस नहीं है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए इतना लिख लीजिए, फिर हम नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं।